watching Republic Media Network, and like we've been telling you, this version that we are going to put out before you today is going to change it all for the CBI. The most explosive, the biggest testimony ever in the case so far. A person who was at the Cooper Hospital, who helped the ambulance staff, in fact, bring out Sushant Singh Rajput's body, has spoken to Republic Media Network's Anuj, and what he's told us has completely changed the course of the investigation so far. Here's the explosive sting operation, the interview, and then we'll bring in Anuj to tell us what this means for the CBI. रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के साथ बातचीत करने के लिए एक शख्स मौजूद हैं इस समय, जो सुशांत सिंह राजपूत के केस में एक बड़ा खुलासा करने जा रहे हैं। ये वो शख्स हैं जो सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद, जब उनकी बॉडी को कूपर हॉस्पिटल लाया गया, तब से जब तक उनको शमशान घाट ले जाया गया, उनके साथ मौजूद थे, उनके एम्बुलेंस में भी थे, और जहाँ पोस्टमार्टम हुआ कूपर हॉस्पिटल में, वहाँ पर भी मौजूद थे। तो जो इनके दावे हैं, जो इनका कहना है, इनकी ज़बानी हम सुनेंगे कि आखिर क्या कुछ इन्होंने देखा, और ये जो खुलासा करने जा रहे हैं उस बारे में इनको क्या कहना है। आप बताइए, कितने बजे की ये बात है, क्या हुआ था जब सबसे पहले एम्बुलेंस यहाँ पहुँची, उसके बाद कब तक आप सुशांत की जब बॉडी थी उसके साथ थे? सुशांत की बॉडी शाम में जो 5 बजे से आई थी, मैं जब कूपर हॉस्पिटल में पहुँचा था, बांद्रा से वो एम्बुलेंस वाला लेके आया था, बड़े हॉस्पिटल में रखे थे सीरियस रूम में, उसको सब चेक कर रहे थे। उसके बाद सब कुछ हुआ, मेरे को अंदर जाने नहीं दे रहे थे। जब उसको पोस्टमार्टम की तरफ लेके आए, जब मैं बॉडी देखा अंदर जाके, अपने मामा लोग थोड़े पहचाना रहे थे, अंदर जाके मैंने देखा, फिर जब उसका 11:30 बजे वो पोस्टमार्टम हुआ, रात में जो 11:30 बजे पोस्टमार्टम हुआ, फिर 11:30 बजे पोस्टमार्टम होने के बाद हम निकल गए। जब आपने बॉडी देखी, तब आपने क्या देखा था वहाँ पे? क्या सुशांत की बॉडी पे कोई निशान थे? क्योंकि आपने जैसा बताया कि आप बॉडी देखते रहे हैं, बॉडी उठाते रहे हैं, ऐसा है कि आपने बॉडी उठाई है पहले भी? पहले बॉडी उठाई है। तो जब आपने बॉडी देखी जाके, तो उसमें क्या देखा? क्या उनके शरीर पे कोई निशान थे? क्या चोट थी? क्या कोई हाथ पैर में चोट थी? उनकी पैर की हड्डी टूटी हुई थी। आप कैसे कह सकते हैं कि पैर की हड्डी टूटी थी? सर, जो फांसी लेगा तो पैर आधा टूटा मारेगा, तो पैर की हड्डी कैसे टूटेगी? नहीं, आपको कैसे पता लगा कि पैर की हड्डी टूटी हुई है? पैर एक मोटा है और एक पतला है। क्या वो पहले से नंगड़े थे? पहले से क्या वो नर्वस थे? नहीं, वो पहले से अच्छे थे। उनकी पैर की हड्डी टूटी थी, और दूसरी बात, यहाँ पे निशाने थे सीओ के। किस चीज के निशान थे यहाँ? सुइयों के, जैसे एक मोटी सुई रहती है, इतनी मोटी रहती है, वो पतली रहती है, वो छुपाओगे तो निशान आएगा, बरोबर वो निशान होते हैं। और यहाँ पे कुछ टेप चिपका था पोस्टमार्टम के बाद, मैंने जब उसको टेप निकाला था, देखा था, जब उसको कुछ तेल वेल से निकाल रहे थे, जब भी मैंने देखा था, बस यही था। यहाँ पे निशान थे गले पे, बस पैर की हड्डी टूटी हुई थी। और भी कहीं कोई निशान? तलवे के नीचे सुइयों के निशान थे, तलवे के नीचे सुई चुबाने के निशान जी। और बॉडी कैसे आप कह सकते हैं कि, जैसा आपने हमें बताया था कि आत्महत्या नहीं या सुसाइड नहीं, ये मर्डर था, तो ऐसा कैसे पता लग जाता है कि आप लोग मर्डर? सुसाइड करेगा तो आदमी जबान बाहर आएगी, बाथरूम निकल जाएगी, पेशाब आएगी, ना कुछ गिल्ला था ना कुछ था, तो सूखा ही था ना। आपको जानकारी ज़्यादा चाहिए तो बांद्रा पुलिस वाले लोग को भी जाके आप पूछिए, सर बांद्रा पुलिस वाले आप क्या कर रहे थे, देखना तो चाहिए था बॉडी, उनको तो थोड़ा पूछिए। मैं तो जो देखा हूँ सच, वो सच बोल रहा हूँ, क्यों मैं झूठ तो बोल रहा नहीं। डॉक्टर्स वहाँ पे क्या बोल रहे थे? डॉक्टर लोग का नाम मेरे को नहीं मालूम। हाँ, ठीक है, डॉक्टर लोग का नाम नहीं मालूम, खाली डॉक्टर लोग यही सुन में मैं सुन रहा था कि मर्डर है बस। अच्छा, डॉक्टर ये बोल रहे हैं? हाँ, मर्डर है। पुलिस वाले क्या डॉक्टरों से कुछ बातचीत कर रहे थे, कुछ कह रहे थे पुलिस वाले? पुलिस वाले लोग कब जा रहे थे डॉक्टर लोग से बात कर रहे थे, वो हमारे सामने बात नहीं कर पा रहे। अच्छा, ऐसा है? अच्छा, हमारे से सामने बात कुछ नहीं करे जा रहे थे। हाँ। फिर सुबह जो रेखा चतुर्वेदी आई थी, रेखा चतुर्वेदी जी जो आई थी, जो उसकी गर्लफ्रेंड है, वो आई थी, 25 मिनट तक वो अंदर थी, मैं उसके साथ था, जब वो माफी भी मांगी थी। क्या बोल रही थी? सॉरी सुशांत, सॉरी, और रो रो के सॉरी बोल रही थी बस। अच्छा, और कौन था उसमें मौजूद? उसके साथ एक लंबे बाल, घुंघरू बाल वाला एक आदमी था,
और एक कोई आदमी छोटे बाल और टी शर्ट पहना था, वो था। अच्छा, कैसे रंग के कपड़े पहने थे, कुछ ध्यान है आपको? वो चेस वाला शर्ट पहने था, जीन्स पहने थे बस। और दूसरा आदमी जो था वो कैसे पहना था? वो टी शर्ट पहना था, जीन्स पहना था, व्हाइट कलर की टी शर्ट थी और जीन्स। अच्छा ठीक है, और फिर उसके बाद कितनी देर तक अंदर रहे, क्या बात हो रही थी? क्या बात हो रही थी, वो आदमी मेरे को बोला बाहर चले जाइए आप, हम लोग आ रहे। वो बस 25 मिनट के बाहर आई, बस हम लोग भी वहाँ खड़े थे उसकी गाड़ी के, बस मैं उसको देखा बस। उसके बाद क्योंकि आपने बताया कि आप शमशान घाट तक उस गाड़ी में थे, शमशान घाट तक था जब सब कुछ हो गया, 4 बजे जब शमशान घाट उसको लेके गए यहाँ से कूपर अस्पताल, कूपर हॉस्पिटल से 4:30 बजे शमशान घाट लेके गए थे। शमशान घाट में जब उसको जलाए पूरा तक, लास्ट तक महे था, उसके जीजा जी, उसके जितने दोस्त लोग जैसे बहुत जन हीरो लोग भी आए थे, उनको एंट्री नहीं दी थी, बहुत पुलिस खड़ी थी, बहुत पुलिस खड़ी थी, बैंड्रा वाली जू पुलिस स्टेशन भी खड़ी थी, ऐसा कि नहीं, जू पुलिस स्टेशन का कुछ लेना देना है ही नहीं उसमें। बस बैंड्रा पुलिस को यही चाहता हूँ कि आप कुछ सच का बवाला निकालिए और डॉक्टर लोग से कुछ बवाला निकालिए। लेकिन आप मुझे एक बात बताइए, आपने कहा कि आपको अंदाजा हुआ, क्योंकि आप बॉडी उठाते रहते हैं, आपने कई बार लाशें उठाई हैं या बॉडीज उठाई हैं, उससे आपको पता लगा कि ये सुसाइड नहीं है, ये मर्डर केस है, और डॉक्टर भी ये कहते हैं। मैं दोबारा आपसे पूछ रहा हूँ एक बार, जब मैं बॉडी उठाता हूँ, जब हमको मालूम पड़ जाता है कोई भी फांसी लेगा तो जबान बाहर आएगी, पेशाब होगी, बाथरूम होगी, कोई बोलता कि इसको बाथरूम नहीं होती, कोई ऐसा क्यों नहीं है, जब फांसी लेगा तो आदमी पेशाब और बाथरूम तो होगी, ये बात है। और दूसरी बात, जब जब वो फांसी लिया है तो तुमको कैसा मालूम फांसी लिया है, तुमको कैसा मालूम फांसी लिया है, फांसी लेगा तो बाथरूम होगी, पेशाब होगी। तो आपने एक ये बोला था कि आप जो बता रहे थे अभी मुझसे कि बॉडी वाइट हो जाती है, ऐसा कुछ बोल रहे थे आप, वो क्या होता है? फांसी लेगा तो येलो बॉडी नहीं होती, वाइट ही वाइट बॉडी, और हाथ ऐसे हो जाएगी, टांग नहीं टूटेगी बस। अच्छा, तो आपका दावा ये है कि आप वहाँ मौजूद थे और डॉक्टरों ने भी ये बात बोली कि ये मर्डर है, आपने देखा कि सुशांत के शरीर पे निशान थे? जी, डॉक्टर लोग एकदम दूर दूर से बोल रहे थे, हम कान से सुन रहे थे, हम आपको बोल रहे, डॉक्टर लोग का नाम नहीं मालूम, डॉक्टर लोग का एड्रेस नहीं मालूम, बस डॉक्टर लोग जो बात कर रहे थे हम सुन रहे थे, एकदम कान लगा के हम सुन रहे थे बस। हमको इतना ही मालूम है, जो सच है हम सच बोल रहे, झूठ तो कुछ नहीं, मैं इतना पलट रहा हूँ ना, मैं कुछ बोल रहा हूँ, खाली मेरे को इतना है कि डर एक है, डर रहो बस और कुछ नहीं। आप किस चीज से डर रहे? ये चीज से डर रहा हूँ कि कभी बैंड्रा वाली पुलिस आ जाएगी, बैंड्रा वाली पुलिस आएगी, बेटा क्यों ऐसा कर रहा है ऐसा, इस वजह से मैं डर रहा हूँ। कभी मेरी फैमिली पे, मैं तो एक गरीब बच्चा हूँ, कभी मेरी फैमिली पे कुछ हो जाए, कुछ हो जाए, ऐसा डर हूँ। देखिए, ये वो शख्स हैं जिन्होंने, जो नहीं चाहते कि उनका नाम लिया जाए, और इन्होंने बातचीत में जो खुलासा करा वो ये करा है कि ये उस समय मौजूद थे वहाँ पे, ये बॉडी उठाने का काम करते हैं, इन्होंने सुशांत की बॉडी उठाई तो इन्होंने कुछ चोट के निशान भी देखे, और इनका कहना है कि उसका पैर भी टूटा हुआ था, और डॉक्टर्स भी आपस में ये बात कर रहे थे कि सुशांत का मर्डर हुआ है। हालांकि अभी जाँच चालू है और CBI की टीम लगातार पूछताछ कर रही है, आगे देखना ये होगा कि क्या कुछ इसका नतीजा निकल के आता है। रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के लिए कैमरा पर्सन यशपाल के साथ अनुज।